बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर बनने की क्या प्रक्रिया है और इसमें कितना खर्चा आ जाता है। दोस्तों देखो, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप वैसे तो एक प्रोफेशनल नर्स बनते हैं जिसमें जीएनएम और एएनएम से भी ज्यादा वेतन मिलता है, लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, तो आप लाखों में कमा सकते हैं। जी हाँ, और डॉक्टर बनना कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको पढ़ाई थोड़ी ज्यादा जरूर करनी पड़ती है, लेकिन आप कोई कोर्स करके किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको तीन तरीके बताएंगे जिनके द्वारा आप बीएससी नर्सिंग के बाद एक डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, तो पहला तरीका है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करें और उसके बाद फिर नर्सिंग में ही पीएचडी करके आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में आपको 9 से 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि खुद बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, उसके बाद फिर एमएससी नर्सिंग 2 साल का, और फिर पीएचडी में भी लगभग 4 से 6 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। और इस तरह पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर बनने तक लगभग 9 से 10 साल आपके आराम से लग जाएंगे, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए के लगभग खर्चा भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आपको फार्मा डी करना होगा। फार्मा डी आप 12th के बेस पर भी कर सकते हैं। यह 6 साल का कोर्स होता है जिसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें भी 8 से 9 साल आराम से लग जाते हैं और 8 लाख से 9 लाख तक का खर्चा भी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा तरीका है कि आप एक स्पेशल कोर्स करके एक किसी भी चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें आप MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, इस तरह के इनमें से कोई भी कोर्स करके आप उस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें MBBS कोर्स करते हैं तो आप एलोपैथिक डॉक्टर बनेंगे, अगर आप BDS कोर्स करते हैं तो आप डेंटिस्ट, दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाएंगे, BAMS कोर्स करेंगे तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेंगे, BUMS कोर्स करने के बाद आप एक यूनानी डॉक्टर बनते हैं, BVSC कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप पशुओं के डॉक्टर बनेंगे, और यही अगर आप BHMS का कोर्स करते हैं तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन कोर्सों को करने के बाद आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। और ये सभी कोर्स 4.5 से 5.5 साल की ड्यूरेशन के होते हैं, जिसमें लगभग 4 लाख से 8 लाख रुपये तक के बीच में खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन कोर्सों को कम्प्लीट करने के बाद आपके पास जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। इस फील्ड में जॉब की कमी नहीं है। आप किसी भी फार्मा कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम कर सकते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में नौकरी कर सकते हैं, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक, हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें आपको लेटेस्ट भर्तियों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल जाया करेगी। तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा कोर्स करने वाले हैं और किस तरह की नौकरी आप आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी कोई सवाल है तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा।